इसमें रविंदर है ना, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हमसे सवाल जरूर करेंगे, देखते हैं किस तरह से ये जवाब देते हैं। रविंदर राणा जी, आपको सबको अष्टमी दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी सर। रविंदर राणा सर, कोई दुराहे नहीं, आप धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते हैं, तो एक बात बताएंगे कि शिव मंदिर जिस तरह से रूपनगर, लोअर रूपनगर में उसे डिमोलिश किया गया JDA द्वारा, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पंजा रुक सकता तो JDA का पंजा क्यों नहीं रुक सकता? मैं माता वैष्णो देवी जी के पवित्र दरबार में नवरात्रों के पावन पर्व पर गया था और मैंने आज सुबह इसकी जानकारी प्राप्त की है और मेरे नोटिस में सारी चीज़ें लाई गई हैं। मैंने तुरंत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। इस प्रकार के मामले नहीं होने चाहिए और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं हैं। इसको लेकर समाज में जो है वो रोष उत्पन्न होता है और ये सरासर गलत है। ये छोटी सी बात थी क्या? बहुत भयंकर बात है, तो फिर बहुत गलत है। इंतजार कर रहे जी, आप क्योंकि आप पर जनता को विश्वास है, क्यों तभी हमने आपसे सवाल किया कि हमेशा आप अग्रसर रहते हैं धार्मिक कार्यों में। मुट्ठी में मैंने स्वयं कहा, मैं माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र दरबार में नवरात्रों के इस पावन पर्व पर वहाँ माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनार्थ गया था। मैं जम्मू पहुँचा हूँ और मैंने पहुँचते ही मुझे ये जानकारी लगी है कि मुट्ठी में वहाँ भगवान शिव का जो वहाँ एक मंदिर है उसको JDA के कुछ अधिकारियों ने वहाँ कुछ मंदिर के प्रांगण में कुछ तोड़फोड़ के चित्र मैंने देखे हैं। मैंने तुरंत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके रोष और आपत्ति जताई है कि ये इस किस्म की घटनाएं जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इससे समाज के अंदर रोष उत्पन्न होता है। गुस्सा इस बात का लोगों के बीच में कि जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पंजा रुक गया कुंजवानी दरगाह को लेकर, सब एक साथ इकट्ठे हुए हर कम्युनिटी के लोग, लेकिन यहाँ पर जब पीला पंजा चला तो फिर क्यों नहीं रुका, वो आखिरकार क्यों अखंड ज्योत का भी अपमान किया गया? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि मैं जम्मू में नहीं था, मैं माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में गया था। मैं स्वयं माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में गया था, आते ही मैंने इस सारे विषय पर चर्चा की है और ये इस प्रकार के मामले जो हैं वो नहीं होने चाहिए। धर्म, आस्था, विश्वास जहाँ भी है वहाँ कोई भी काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले JDA के अधिकारियों को 100 बार सोचना चाहिए। धार्मिक स्थानों को जहाँ बिल्कुल लोगों की आस्था जुड़ी हो, बिल्कुल हम इसे फार ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा है? मुट्ठी के लोग कह रहे हैं कि क्या उसको दोबारा से फिर से बनाया जाएगा उसी जगह पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है? नहीं नहीं, ये मामला बड़ा गंभीर, पुराना मंदिर है, प्राचीन शिव जी का मंदिर है, ये गंभीर मामला है। मैंने देखा है, इस पर जहाँ जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये आप कह रहे हो कि कार्रवाई सर? बिल्कुल, मैं आने वाले समय में इस पर प्रतिबंध लगेगा। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? छेड़ने से पहले धार्मिक आस्थाओं के ऊपर आघात प्रतिघात कभी कोई सहन नहीं करेगा और जिन भी अधिकारियों ने इस प्रकार के कोई निर्णय लिया है, मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से और डिपकाम साहब से भी बात करूंगा, जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। जिस तरह से लोअर मुट्ठी में शिव मंदिर को लेकर घमासान चल रहा था, किस कदर माता रानी के नवरात्र थे और अखंड ज्योत वहां प्रचोलित थी, उसी के चलते JDA ने पीला पंजा चलाकर उस मंदिर को तोड़ा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान उठे। अगर कुंजवानी दरगाह के लिए सब सियासी सामाजिक संगठन एक और का अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पंजा रोक सकते हैं तो शिव मंदिर पर पंजा चलने वाले चलों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? क्यों सियासी और सामाजिक पार्टियां सब चुप्पी साधे हुए हैं? कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने जाकर वहाँ प्रदर्शन भी किया, पर खास करके बात करें अगर सियासी पार्टियों के नेताओं का, क्यों चुप्पी साधी है खासकर भाजपा की भी? ये बड़ा सवाल है। आज रविंदर राणा जी से हमने सवाल किया, उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं था। अगर वो नहीं थे, पार्टी के बाकी कार्यकर्ता, पार्टी के बाकी नेता तो यहाँ मौजूद थे और अन्य पार्टियों के नेताओं की मुंह पर भी चुप्पी क्यों साधी है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जुड़ी हो, जब लोगों की आस्था पर प्रहार होगा तो नेताओं से सवाल तो किए जाएंगे। जनाब, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।